हेलो एवरीवन, ये देखा गया है जब भी स्टूडेंट से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर, सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये जनरली उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी है अमंग द स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो आप इसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हमने पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछा गया यूजीसी नेट कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को पिकअप किया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना है। सो हम वीडियो के अंदर समझेंगे कि आपको इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है सो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए आपसे पूछ क्या रहा है। सो देखिए यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है और आपको यहाँ पे निकालना है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सो देखिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर एक ग्राफ पढ़ा होगा। देखिए ये कॉस्ट का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका होता है एवरेज कॉस्ट। सो कुछ इस तरीके का दिखता है एवरेज कॉस्ट। नाउ अब देखिए इस एवरेज कॉस्ट के अंदर जो ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपकी मिनिमम होती है, यहाँ पे आपका देखिए एक्स एक्सिस पे आपका क्या होता है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे आपका क्या होता है कॉस्ट। अब देखिए जहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम है ये है आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखिए आपसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पूछा गया है। सो यहाँ पे देखिए आपकी जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम आ रही है जिस लेवल पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम है वो होगा आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सो ये आपका हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आपका एसी तो पता चल गया आपको। अब आपको यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को कट करते हुए निकलती है। सो ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट। सो देखिए आपने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को तो आइडेंटिफाई कर लिया है और ये है आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसके आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं सो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट आपकी बढ़ रही है और इससे पहले आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे। सो जो आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है दैट इज जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। सो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करके उसको हम इक्वेट कर देते हैं सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। तो सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर उन दोनों को इक्वेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो टोटल कॉस्ट आपको फंक्शन गिवन है इसको हमें डिवाइड करना है क्यू से। देखिए आपकी क्वांटिटी यहाँ पे क्यू में गिवन है। सो यहाँ पे अगर हम निकालें इसको तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई क्यू प्लस 5Q डिवाइड बाई क्यू प्लस 2Q डिवाइड बाई क्यू, ये भी स्क्वायर है आपका। सो यहाँ पे आप देखें यहाँ से क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पे क्यू से क्यू का स्क्वायर कट जाएगा। सो यहाँ पे आपका बचेगा 200 डिवाइड बाई क्यू प्लस 5 प्लस 2Q। सो ये है आपका एवरेज कॉस्ट। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। सो अभी आपका एवरेज कॉस्ट क्या आया है 200 डिवाइड बाई क्यू प्लस 5 प्लस 2Q, ये लिख लिया हमने। अब हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट। सो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। सो देखिए जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड यूज होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन कंसेप्ट को यूज करेंगे। सो देखिए डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है इसको आप डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईजी होगा, बट जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इसके अंदर। सो हम इसको ईजिली सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं जो डिफरेंशिएशन के हैं, सो दैट जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखिए सबसे पहले पहला इसका कंसेप्ट है कॉन्स्टेंट रूल।
कॉन्स्टेंट रूल आपका क्या कहता है कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ 2, 3, 4, 200, 400, कोई भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे सो ये होगा आपका जीरो। सो आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ सेकेंड है आपका पावर रूल। देखिए पावर रूल याद रखिए, पावर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो पावर रूल आपका कहता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कोई भी फंक्शन 2x square, सो इसका पावर रूल क्या कहता है, इसके अंदर आप एक लाइन याद रखिए, पावर बिकम बेस एंड रिड्यूस पावर बाई 1। सो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका पावर है वो बेस बन जाएगा, दैट इज 2 नीचे आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और रिड्यूस पावर बाई 1 यानी कि x की जो पावर है 2 इसको 1 माइनस कर देंगे इसके अंदर से। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 4x की पावर 1 यानी कि 4x। सो आपका यहाँ पे 4x आ रहा है। सो ये है आपका पावर रूल। अब इन दोनों रूल्स को यूज करते हुए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है, 200 प्लस 5q प्लस 2q स्क्वायर। ओके अब देखिए ये जो है ये आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने नोटिस किया, देखिए यहाँ पे जो भी है ये कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है प्लस, अब यहाँ पे 5q का मतलब क्या है, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, सो देखिए क्यू की पावर कुछ नहीं है तो यानी यहाँ पे 1 होगा। सो देखिए यहाँ पे पावर बिकम बेस रिड्यूस पावर बाई 1 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा 4q। देखिए हमने अभी यहाँ पे देखा तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 5 प्लस 4q। ओके अब ये देखिए ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट और ये है आपका एवरेज कॉस्ट। सो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे तभी आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा। सो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सो यहाँ पे कर देते हैं, टू हंड्रेड डिवाइड बाई क्यू प्लस 5 प्लस 2q इक्वल्स टू 5 प्लस 4q। ओके अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, 200 डिवाइड बाई क्यू इक्वल्स टू प्लस, अब देखिए यहाँ पे 5 5 यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2q इधर जाके माइनस हो गया यानी कि आपका हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू 2q। ओके अब देखिए यहाँ पे क्यू इधर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर जाके, सो 200 इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 100 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। सो इसका इधर ले आके इसको इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, सो यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका क्यू। सो इसका आएगा आंसर 10। सो आपकी क्यू की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके सो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, हम इसे एग्जाम के अंदर नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें और अगर इसकी प्रैक्टिस करें सो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लेगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप यूजीसी नेट में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं सो आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो आप इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं सो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन, प्राइस फंक्शन एंड क्वांटिटी फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होता क्या है। सो देखिए आपने इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्राफ पढ़े हैं इसके अंदर आपने देखिए ये इस टाइप का ग्राफ पढ़ा होगा, ये आपका प्राइस लाइन होती है, ये एवरेज लाइन के इक्वल होती है और यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू होती है। ठीक है तो प्राइस इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। सो देखिए आपका जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है, जब एमआर इक्वल टू एमसी हो। सो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम एमआर और एमसी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको इक्वेट करते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एमसी तो आपका कैलकुलेट किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है,
बट यहाँ पे आप मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हम इसको समझते हैं कि आप मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। सो आप इसको नोट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, सो टोटल कॉस्ट के बेसिस पे आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर जब आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, सो इन दोनों को इक्वेट करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको टोटल कॉस्ट के जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, सो इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा जीरो, देखिए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, 20 क्यू का, सो देखिए क्यू के रिस्पेक्ट में अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा आपका 20। नाउ अब क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पावर बिकम बेस, तो यहाँ पे आ गया 2 क्यू, और रिड्यूस पावर बाय 1 यानी कि इसकी पावर 1, सो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट, सो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ चुका है यहाँ पे। नाउ अब हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने से पहले हम पहले टोटल रेवेन्यू निकालते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखिए टोटल रेवेन्यू के लिए आपका क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखिए टोटल रेवेन्यू आपकी होती क्या है, जितनी भी आपकी सेल्स होगी उससे जो आपको रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है वो होती है आपकी टोटल रेवेन्यू। सो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो भी आपका प्राइस है कमोडिटी का उसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। सपोज़ यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सेल हुई है 5 और हर एक क्वांटिटी का प्राइस है 10 रुपीज़, सो आपको जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुई है दैट इज़ 50 रुपीज़। सो इस तरीके से टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्राइस गिवन है 500 - 5 क्यू, ओके सो यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आपको प्राइस गिवन है 500 - 5 क्यू और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्वांटिटी से, ओके नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कर देते क्वांटिटी से, यहाँ पे आ जाएगा 500 क्यू - 5 क्यू स्क्वायर, ओके ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, सो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यू के रिस्पेक्ट में अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर आएगा 500 - 10 क्यू, ओके सो ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ओके अब देखिए यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कैलकुलेट हो चुका है, सो इन दोनों को इक्वेट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। सो देखिए यहाँ आपका मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 20 + 2 क्यू और यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है 500 - 10 क्यू, 500 - 10 क्यू, सो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, 20 + 2 क्यू = 500 - 10 क्यू। सो देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 480 = 12 क्यू, सो देखिए यहाँ पे 480 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो आपका आ जाएगा क्यू की वैल्यू दैट इज 40। सो यहाँ पे देखिए आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्वांटिटी कितनी आ रही है आपकी 40, सो अगर आप 40 यूनिट तक का प्रोडक्शन कर रहे हैं सो आपका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम होगा, अगर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं सो आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होने लगेगा। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपसे कोई भी अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर सो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा जिसके अंदर से आप उसको डाउनलोड करके ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज़।